अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सोच कह रहे छोटे भाई साहब, पहना दीजिए भाभी साहब को ब्रेसलेट। वेद, वेद चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? Now three cheers for Didi and Jiju. Hip hip, hurray! अरे मैं अकेली क्यों बोल रही हूँ? आप सब भी बोलिए ना। Hip hip, hurray! Hip hip, hurray! Hip hip, hurray! सब श्रीनाथ जी का आशीर्वाद है। उस दिन तुमने उन्हें हृदय मोदना पहनाया और आज देखो, उन्होंने तुम दोनों को एक डोरी से बांध दिया। ये शगुन है बेटा, ये लो। तो मुझे ही आग लगानी पड़ेगी। तो अब समझ आया कि वेद किसके लिए हार्ट शेप का मूंग के हलवे का केक बनाना सीख रहा था। अरे पर दीदू तो मूंग दाल का हलवा खाती ही नहीं है। पर मुझे बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी। नहीं खाती ऐसा नहीं है, खाऊंगी ना, चखके तो जरूर देखूंगी। फिर देर किस बात की, मेरे बेटे ने खास किसी के लिए हलवा केक बनाया है। जा जल्दी लेकर आ। अरे ये दोनों साथ में ही काटेंगे, है ना वेद? ये जवान खून तो एकदम ठंडा निकला। हाँ मम्मी जी, लेकर आई। लखन को नहीं, उछाला मार रही, जरूर कोई चक्कर है। आपके पति नहीं आए? भारती, बेटा वो संस्कारिक दुनिया छोड़ करके साधु बन गए। सूरजमुखी जी ने ही दोनों बेटियों को संभाला है। अरे दिव्या, केक का क्या हुआ, जल्दी लेकर आ। अब चलो दोनों मिलके केक काटो।
बड़ा शर्माता है सच में। वेद, अब तो खून खौलेगा। अरे अरे काटो, ये लो और केक काटो। विधि चल बेटा। वेद जी खुश क्यों नहीं लग रहे? कोई बात है क्या? इससे पहले बात आगे बढ़े, मुझे सच बताना होगा। वेद, इतना सोच क्या रहे हो? काटो काटो केक काटो। विधि, अब अपने हाथों से ना अपने होने वाले पति को केक खिलाओ। खिलाओ खिलाओ। असर क्यों नहीं हो रहा? आप ना भाभी जी को वापस खिला दीजिए, वो क्या है ना कि झूठा खिलाने से ना प्यार बढ़ता है। वेद, चलो तुम्हारी बारी। हिचकिचाओ क्यों रहा है? माँ वो, अरे बाबा सच में बड़ा ही शर्मीला है, ये लो और खिलाओ। अरे पायल तुम तो इधर आओ। एक्चुअली कहते हैं ना कि साली तो आधी घर वाली होती है, इसीलिए बचा हुआ टुकड़ा तुम भी खाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा बना है। लग रहा है कि कितने प्यार से बना है। दाने दाने से ना प्यार टपक रहा है। अच्छा अब ना हम एक सेल्फी लेते हैं, हम तीनों के पहले, बाकी सबके साथ बाद में। माइन आप सबके साथ स्माइल तो करिए। अब मैं अपलोड कर सकती हूँ। अब चलो बेटा टीके की रस्म भी पूरी कर लेते। बैठो बेटा। हाँ गोवर्धन जी। माई सर वो टेबल से सारा सामान उठा ला। जी माई सर। ऐसा क्या करूं कि वेद अंदर तक हिल जाए और सच बोल बैठे। सच में पायल बहुत ही खूबसूरत हो तुम। अगर तुम कहो तो मैं अपने भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं।
इससे बड़े सौभाग्य की बात मारे ले कोणी, अगर मेरी दोनों बेटियों का ब्याह एक ही मंडप में हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कब तक दिल की बात दिल में छुपाए रहोगे वे, तमाशा तो मैं करवा के रहूंगी। भाई साहब। हाँ ये क्या? माई साहब आपने तो बोला था कि सब सामान लिया, तो मैं सब सामान ले आया। ये अभी नहीं गोवर्धन, पूजा की थाली लेकर। जी माई साहब। आदत डाल लो विधि, इससे बात करने के लिए ना शब्द ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ला। शकुन है बेटा। चलो अब सब मुंह मीठा कर लेते हैं। आइए ना। हाँ जी। चलो बेटा आप लोग भी आ जाओ बेटा। वेद जी हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? वो आप काफी देर से चुप चुप से हैं, सब ठीक है ना? वेद आ जाओ बेटा। अरे बात करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। कुछ नाश्ता कर लो। पिछले जन्म में जरूर मोती बांटे होंगे मैंने, तभी तुम्हारी जैसी बहू मिल रही है मुझे। रसम अच्छे से निपट गई। हाँ संपन्न हो गई भाई साहब, शुभ काम संपन्न होते हैं। माँ ने बिल्कुल अपने जैसा दामाद ढूंढा है ना भारती? बिल्कुल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ को इस लड़की में इतना खास क्या दिख गया। वो ही तो लखन भैया, मारी बेन में क्या कमी थी जो माची सा ने इसको पसंद कर लियो। वो कह रहे है ना, दिलाया गधेड़ी पे तो घोड़ी दिखे कोनी। भाभी गधी घोड़ी सब भाग जाएगी, इस घर की तीसरी बहू ना मेरी बहनी बन के आएगी, देखते रहना। ये अभी भी अपनी बहन का नंबर लगाए खड़ी है, जरूर कुछ कांड करने वाली है। बांदरी की जाए उछले बिना रेवे कोनी, मूर्ख। वेद जा बेटा, तुम घर छोड़ाओ इन्हें। अरे रहने दीजिए आंटी, हम चले जाएंगे। वेद जी वैसे भी थके हुए लग रहे हैं। वो तो लगेगा ही ना, रात भर सोया जो नहीं है तुम्हारे इंतजार में। वेद तुम इन्हें गाड़ी तक छोड़ाओ, रामलाल जी घर तक छोड़ाएंगे। हाँ माँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सुनो अब से मुझे माँ बुलाने की आदत डाल लो। जाओ बेटा छोड़ाओ। आ!
तुम इसे लौटा नहीं सकती क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू हो। कैसे बताऊं माँ को कि मैं विधि से नहीं पायल से शादी करना चाह रहा था। कहाँ? वो मम्मी जी, वो ना मम्मी कह रही है ना कि घर की सजावट बाहर से कैसी हुई है उसकी भी फोटो खींच के जरा भेज दे। तो बस फोटो लेने जा रही थी खींचने के लिए। मैं जाऊं? पायल की फोटो वेद के वॉलेट में। एक्चुअली ये होगा मेरा हथियार। श्रीनाथ जी ने एक दिन में ही मारी अर्जी मार। ऐसो घर बार, इतने अच्छे जन, चोखा बींद। और सबसे बड़ी बात, जमाई राजा को हमारी बिटिया से कितना प्यार है। बस ये परफ्यूम मेरा हुआ। आपके पास तो और भी इतने सारे गिफ्ट्स हैं। मैं ना विमला और सुनीता को बताकर आती हूँ। बड़ी उतावली हो रही होगी ये सब सुनने को। मैं अभी आई। पर माँ, माँ पते की बात तो ये है कि उस लड़की में आपको ऐसे कौन से सुरखाब के पर दिखे जो आपने वेद के लिए उसे चुन लिया। मुझे हर तरीके से वो इस घर की बहू होने के काबिल दिखी। आपको उसकी कमी नहीं दिखी? तुम किस कमी की बात कर रही हो भारती? आप जानती हैं माँ कि मैं किस कमी की बात कर रही हूँ। कमी सब में होती है बेटा, पर फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी एक छोटी सी कमी उसकी हर एक कदम के साथ सबको दिखाई देती है। और दूसरे अपनी सारी कमियां छुपा जाते हैं। मैंने जो लड़की चुनी है ना, वो हर तरीके से वेद के लिए सही है। सारे नाथ द्वारा में प्रतिभाजी जैसे कोई गुणीजन होवे है? थारे को मारी बिटिया में कोई गुण ना दिखे, प्रतिभाजी को दिखे है। क्योंकि असली हीरे की पहचान हीरे को ही होवे है। देखना, राज रानी बन के रहेगी मारी छोरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वेद जी इस रिश्ते से खुश नहीं? प्रतिभा आंटी तो कह रही थी कि उन्होंने ही मुझे पसंद किया। सब कुछ आप पर छोड़ रही हूं काना जी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई संकेत दे दो। अरे ये क्या, ये चाबी का छल्ला प्रतिभा जी का लग रहा है शायद। ये चढ़ावे में अटक के तो नहीं आ गया? अब क्या करें? मान लेते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है, सर्वगुण संपन्न लड़की है, पर उसे सिर्फ वेद के साथ घर में नहीं रहना है माँ। लोग उसे देखेंगे, वो लंगड़ा के चलेगी, लड़खड़ा के चलेगी। जब वो स्टेज पे चढ़ेगी, दुनिया वाले देखेंगे, सब हंसेंगे माँ। ये दुनिया तब कहाँ थी भारती, जब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे और पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। ये दुनिया तब कहाँ थी जब तुम्हारे ससुर को बिजनेस में घाटा हुआ था और घर गिरवी रखना पड़ा था। पर माँ, वो लोग हमसे रुतबे में भी इतने छोटे हैं, और अगर दिव्या की बहन से शादी हुई होती तो 100 एकड़ वेद के नाम होता। 100 तोला सोना तो मारी बहन भी ले आती, बाकी तो थे सियाने हो माँ जी। मुझे अपने बेटों को बेचकर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, और रुतबा केवल पैसों से नहीं होता, समृद्धि सोच और समझदारी से आती है। और उस नजर से देखो ना तो विधि से ज्यादा अमीर पूरे नाथद्वारा में कोई नहीं। अरे माँ, ये तो जरूरी चाबियां लग रही है। हाँ। आंटी परेशान हो रही होंगी।
मैं लौटा कर आती हूँ अभी। हाँ ठीक है, और इसी बहाने वेद जी से भी पूछ लूंगी कि वो इतने परेशान क्यों थे।